मुकेश चंद माथुर, जिन्हें हम सभी सिंगर मुकेश के नाम से जानते हैं, हिंदी सिनेमा के इतिहास में एक महत्वपूर्ण नाम है। 22 जुलाई 1923 को दिल्ली में जन्मे मुकेश का सफर एक्टर से सिंगर बनने का रहा। उनका परिवार एक कायस्थ हिंदू परिवार था और वे 10 भाई बहनों में से छठे नंबर पर थे। मुकेश ने बचपन में ही गाना चोरी छुपे सीखना शुरू किया। उनकी बड़ी बहन को सिंगिंग का शौक था और उन्हें सिखाने के लिए एक गुरु आते थे। मुकेश छुप छुप कर उनकी क्लास सुनते और फिल्मी गाने गुनगुनाते रहते थे। मुकेश की बड़ी बहन की शादी के दौरान उनके रिश्तेदार मोतीलाल, जो मुंबई में एक बड़े फिल्म मेकर और एक्टर थे, मुकेश की आवाज सुनी और उन्हें मुंबई ले आए। उस समय एक्टर्स को खुद ही गाना पड़ता था क्योंकि प्लेबैक सिंगर का प्रचलन कम था। मुकेश ने एक्टिंग में हाथ आजमाया लेकिन फिल्में फ्लॉप रही। फिर मोतीलाल ने उन्हें गाने की ट्रेनिंग दिलाई। मुकेश का पहला सुपरहिट गाना दिल जलता है तो जलने दो फिर पहली नजर का था। इसमें मोतीलाल ही एक्टर थे। इस गाने में मुकेश को पहचान दिलाई। 1998 में राज कपूर की फिल्म आग से मुकेश ने बतौर प्लेबैक सिंगर गाना शुरू किया। धीरे धीरे मुकेश राज कपूर की आवाज बन गए। उन्होंने राज कपूर के लिए सब कुछ सीखा। हमने आवारा हूँ, दुनिया बनाने वाले, दम दम, दिगा दिगा, किसी की मुस्कुराहटों पे, बोल राधा बोल, संगम जैसे सैकड़ों सुपरहिट गाने गाए। मुकेश ने सरल त्रिवेदी से शादी की थी, जो उस समय से करोड़पति बिजनेसमैन रायचंद्र त्रिवेदी की बेटी थी। उनके 5 बच्चे हुए, जिनमें से नितिन मुकेश भी एक पॉपुलर सिंगर बने। नितिन मुकेश के बेटे नील ने एक्टिंग का प्रोफेशन चुना। 27 अगस्त 1976 को अमेरिका में एक कंसर्ट के दौरान मुकेश की तबीयत अचानक खराब हो गई और उन्हें अस्पताल ले जाया गया, जहां उन्हें मृत घोषित किया गया। उनकी मौत का कारण हार्ट अटैक बताया गया। महज 53 साल की उम्र में मुकेश ने दुनिया को अलविदा कह दिया और अपने पीछे कई यादगार गाने छोड़ गए।